मित्रों नमस्ते, मैं गोपाल कुलकर्णी, माध्यम वृत्त में आपका स्वागत है। आज लातूर जिले के रेणापुर तालुके में निवाड़ा गांव में आज हम वहाँ चापसी फार्म हाउस बोल के प्रसिद्ध है। वहाँ चापसी फार्म हाउस में वैशाली चापसी एक संस्था चलाती है, सामाजिक कार्य बहुत तह दिल से वो करती है। डॉग का वो एक एक्टिविटी चलाती है, वो बहुत ही सराहनीय है। मेरे ख्याल से लातूर जिले में ये तो पहला ही है और मेरे जानकारी से मराठवाड़े में ऐसा कम दिखाई देता है, ऐसा वो ट्रस्ट उन्होंने बनाया है और उन्होंने डॉग की जो एक्टिविटी चलाई है वो बहुत ही सराहनीय काम है। और एक अपन घर में बच्चे को जैसा पालते हैं वैसा वैशाली इस डॉग को, डॉग नहीं बोलेंगे हम उनको, बच्चे ही बोलेंगे क्योंकि उनको गुस्सा आएगा डॉग बोले तो। डॉग इज स्टिल अ बेटर वर्ड, पर अपना जो हिंदी में जैसे बोलते हैं सब कुत्ता पालतू कुत्ते पत्ते ऐसा बोलते हैं, सो साउंड्स वेरी आई मीन नॉट वेरी ग्रेसफुल, यू नो। सो क्योंकि लोग बैड वर्ड्स भी वैसे ही देते हैं तो उसके लिए इट्स नॉट अ बैड वर्ड, इट हैज टू लुक लाइक कि बहुत अच्छा वर्ड है। तो अच्छे के लिए हम कुकू बोलते हैं, कुकुर बोलते हैं, स्वान बोलते हैं, फिर बच्चे बोलते हैं। ये मेरी सबसे फर्स्ट डॉग, अरे वाह, आप तभी भी मिले थे उसे। ओह, ये मेरी सबसे फर्स्ट डॉग है, वो आज भी है, अभी ऑलमोस्ट शी इज 12 इयर्स ओल्ड, सो 12 साल से अभी, लेकिन काफी फिट है। बीच में एक बीमार हुई थी लेकिन रिकवर हो गया है बाद में। तो ये हमारी क्या बोलते हैं, थोड़ी भाव खाती है, उसको लाड़ करने को गए ना तो भाव खाती है बहुत, कि नहीं नहीं मेरे को घूमना है खाली और मुझे खाना है, बाकी चीजों के लिए मेरे पास नहीं आना। तो वो कडल करने नहीं देती, हाथ लगाने नहीं देती, लगाने नहीं देती ऐसा नहीं, उसको पसंद नहीं है, मजा नहीं आता है, तो वो क्या हो गया अभी तेरा, चल अभी घूमने लेके जा, ऐसा है। तो शी इज अ वेरी स्वीट गर्ल एंड वेरी मच, अगेन शी इज अ वेरी, शी इज लाइक अ हंट डॉग, तो कुछ भी ऐसा अड़चन आ जाती है या कुछ तो पहले तैयार रहती है अटैक करने के लिए। सो एकदम गुड गर्ल है, अभी बूढ़ी हो गई है मेरी लेकिन है, साबुत है। लेकिन तुम ऐसे कुत्ते को बच्चे बोलते हैं, तुम कुत्ता नहीं बोलते? नहीं, मैं एक कुत्ता बोले तो वर्ड ही मेरे लिए वो इट्स लाइक अ बैड वर्ड फॉर मी, तो स्वान बोलिए या आप बच्चे बोलिए या आप उनको कुकू बोलिए, क्यूट नाम होने चाहिए बस। इसलिए हम उनको बच्चे ही बोलेंगे। हाँ, चलेगा ना, ये मेरे सब बच्चे हैं। हाँ, और उनको सबको मैंने अभी अपग्रेड किया है पूरा शेल्टर। वो पहले जब हम 4 साल पहले इंटर लिए छोटे हट्स थे और ये घर भी नहीं थे पहले, नहीं हट्स थे छोटे छोटे, पर फिर मुझे ऐसा हो गया कि उनको थोड़ा सा कंस्ट्रेन हो रहा था घूमने करने के लिए थोड़ा, और फिर बारिश में और हवा में जरा प्रॉब्लम भी हो रही थी, तो हमने अपग्रेड किया, तो थोड़ा फॉरेन स्टैंडर्ड के हिसाब से किया है। इसके अंदर इट्स लाइक अ प्रॉपर केनल, जो उनको अंदर इट्स लाइक उनका जो केव जैसा होता है अंदर, जहाँ वो आराम से उनको सेफ लगता है वैसा है। आगे की साइड में उनका फूड वाटर एंड इफ दे यू नो वांट टू रोम अराउंड प्ले अराउंड, सो इट्स अ प्ले एरिया इन द फ्रंट, सबके लिए सेम है। और उनको फैन लगाए वाले हैं, हम लोग गुड नाइट भी लगाते हैं ताकि मच्छर वगैरह मक्खी वगैरह नहीं आए। इट्स लाइक उनको रात में भी, और ये थोड़ा सा वातावरण का भी कोई कीड़े वगैरह अंदर नहीं जाना, इसलिए हमने पूरा नेट किया हुआ है। तो इट्स अ मॉस्किटो नेट, चारों तरफ से हवा आती रहती है लेकिन मॉस्किटो नेट से कोई लिजर्ड स्नेक ऐसा कोई फियर नहीं है, कि दूसरा कोई एनिमल कुछ ऐसा जाए नहीं अंदर। आजकल इंसान इंसान को इतना ये नहीं करते उतना, अभी कैसा है मेरे, मैंने अभी बताया बच्चे हैं तो बच्चों के लिए तो करना ही चाहिए। तो उनके लिए कूलर्स भी है अभी, पर रेनी सीजन रहने से हमने कूलर्स निकाल दिए, उनके कूलर्स का ही है पूरा। हॉट में इसमें, हाँ गर्मी के लिए, गर्मी के दिन तो सबके घर के लिए अलग अलग छोटे छोटे कूलर्स है, तो दे हैव देयर ओन पर्सनल कूलर्स आल्सो। अच्छा, सो ऑल लाइट कनेक्शन देयर, अभी आपने जो हम जो आप आए आपके पास इंटरव्यू लेने के लिए, तो तुमने कुछ तो खिलाया उनको, क्या क्या खिलाते हो तुम उनको? हम लोग नॉर्मल फूड है जो हर डॉग को खाना चाहिए बेसिकली, तो चपाती खाते हैं,
और दो लोग ऐसे हैं जिनको व्हीट का प्रॉब्लम है, तो वो गेहूं खाते हैं, ये जवारी खाते हैं, जवारी बाजरी तो नहीं, जवार रोटी, जवार। सो उसमें मनी जो है वो जवार रोटी वाला है, और ये हमारी जो फीड्स वाली पिंकी है उसको कभी कभी फूड चेंज करना पड़ता है हमको, क्योंकि वो खाती नहीं है, मूड के हिसाब से उसका चेंज होता रहता है। बाकी उस सिर्फ ग्रेन्स नहीं होते हुए, मतलब व्हीट और जवार ना होते हुए, दे ऑल्सो ईट पेडिग्री, सो पेडिग्री डॉग फूड, एंड उसमें थोड़ा सा ग्रेवी वर्जन भी है, तो हम पूरा तीन अलग अलग चीज़ें मिक्स करते हैं, जैसे थोड़ा सा ये चपाती और जैसे रोटी आ गया, उसके बाद उसके अंदर थोड़ा वेट फूड आ गया, और बाद में थोड़ा ड्राई फूड, सो इट्स अ मिक्सचर ऑफ ऑल थ्री फूड्स। ये सब कौन बनाता है, रोटी चपाती? हमारे जो मामा है उनकी वाइफ जो है वो चपाती भाकरी बनाती है, और बाकी तो रेडी आता है। मामा का नाम? मामा का नाम गुलाब मामा। गुलाब मामा 3-4 साल से वही है वो? हाँ, 4 साल हो गए हमारे पास। वही पूरा करते हैं? वही पूरा देखते हैं, उनका घर क्लीन करते हैं, सो वी हैव गटर्स, पूरा गटर सेटअप किया हुआ है, तो उसमें वो पाइप लेके पूरा घर वॉश करते हैं एवरी मॉर्निंग, तो क्लीनिंग का भी उतना ही है उनको, अंदर की साइड थोड़ा सा ऐसे उठा कर किया हुआ है जहाँ से गीला नहीं होता है, तो पूरा पंखा लगा के वो सुखा देते हैं, उसके बाद नाली में से पूरा हमने सेटअप किया है पूरा, सो पूरा क्लीन रहता है घर, तो इट्स 2 फीट उठा के रखा हुआ है, तो जो भी वाटर ड्रेनेज है वो अच्छे से होना चाहिए, तो उनके घर रोज क्लीन होते हैं, उनको फ्रेश वाटर खाने पीने के लिए, खाने के लिए अच्छा फूड, और उनके सेटअप के लिए वही कि गर्मी में उनके पास उनको गर्म नहीं होना, इसलिए कूलर्स फैंस फॉर रेनी सीजन लिटिल बिट, और समझो इतनी गर्मी नहीं है, थोड़ा सा फैन चाहिए, तो उसके लिए फैन रखें। मामा को कुछ तकलीफ नहीं करते, वो तकलीफ नहीं देते कुछ? मामा के सबसे लाड़के हैं, मामा के खाली एक मेरा मनी है जो उनको ऐसे कुछ नहीं करता है, लेकिन मैं आने के बाद थोड़ा सा वो पॉजेसिव हो जाता है, तो वो किसी को भी बाजू में आने नहीं देता है, तो मेरे सिवा वो किसी के साथ घूमता भी नहीं है, तो मामा उसको बाकी लाड़ करते हैं, खाना देते हैं, उसका घर साफ करते हैं, तब वो कुछ नहीं करता उनको, लेकिन मैं आ गई तो मामा को बाजू में जाना पड़ता है कि अब आप बाजू में जाओ, मम्मी आ गई है हमारी, तो वो सब उनका दादागिरी शुरू हो जाती है, वो अकेले अकेला ही वैसा है, बाकी के तो बहुत अच्छे है, बाकी के मामा के साथ एकदम घुल मिल के रहते हैं, वो हमारी मामी के साथ भी अच्छे रहते हैं, उनकी वाइफ जो है उनके साथ, सो वो भी प्यार से खाना बनाती है बहुत, और वो पूरा अच्छे से बना के उनको खिलाते हैं 2 टाइम, सो इट इज लंच एंड डिनर 2 टाइम्स। अभी हम जब पहले इंटरव्यू करने के लिए आए थे तो भोंक रहे थे बहुत तुम्हारे सब लाडले बच्चे, अभी शांत हो गए एकदम पूरा, अभी वो समझ गए कि हमारी जो है वो कुछ बातचीत कर रही है किसी के साथ, और मेरे जो वोकल्स है वो काफी काम वोकल्स रहने से दे आर ऑल्सो काम, सो तुम्हारी भाषा समझते हो? हाँ, कि ये किसी से बातचीत कर रही है, कोई थ्रेट नहीं है, तो दे आर ऑल्सो काम डाउन। अगर मैं ज्यादा उनको छेड़ती हूँ या यू नो इफ आई एम एजिटेटेड तो वो भी एजिटेट हो जाते हैं, अगर मैं काम हूँ तो वो भी काम है, अगर आपको कोई तकलीफ दे रहा तो वो ये अटैक करेंगे? हाँ, सारे वैसे, अरे वाह, एक भी वैसा नहीं है कि नहीं, मेरी खाली ये जो पिंकी बोली मैंने आपको वो थोड़ी सी मेरी वीक है, शी इज अ वेरी स्वीट गर्ल, सो लाइक आई सेड शी इज नॉट अ अटैक डॉग, शी इज अ वेरी स्वीट डॉग, तो वेरी होमली एंड यू नो अपना अपना घूमेगी, अपना अपना खाएगी, गोदी में बैठ जाएगी, ऐसी है, सॉफ्ट एकदम, बाकी के तो सारे ऐसे हैं, और उसमें वो मनी तो बहुत ही डेंजर है, सो वेरी एक्सट्रीमली पॉजिटिव, एंड मेरे बाजू में भी आप नहीं आ सकते अगर वो बाहर रहे तो, अब मेरे बाजू में नॉट इवन डेंजरस है वो, हाँ नॉट इवन 2 फीट 3 फीट अटैक करता है, हाँ 10 फीट तक लंबा रहना पड़ेगा, बाप रे, और अगर आप मेरे से बातचीत करेंगे जब वो मेरे पास है तो बातचीत भी करने नहीं देता है किसी के साथ, सो एक्सट्रीमली पॉजिटिव, आई डोंट नो शायद मैंने ट्रेनिंग नहीं दे पाई मैं उसको उस तरह की, और मे बी आई वॉज इनसिक्योर बिकॉज वो उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे बॉवेल प्रॉब्लम्स भी है, एक्सीडेंट में उसका बॉवेल भी डिस्ट्रॉय हो गया था, तो वो थोड़ा सा क्रिटिकल केस है हमारा, तो उसको कहीं क्या दुख जाएगा क्या लग जाएगा पता नहीं है, तो मैं भी थोड़ी प्रोटेक्टिव हूँ और उसके कारण वो भी वैसा ही हो गया है, तो अब इट्स टू लेट टू ट्रेन हिम, मैंने कोशिश बहुत की लेकिन अब वो नहीं हो रहा है ट्रेन, सो मे बी माई फॉल्ट, यू नो ही इज नॉट वेरी फ्रेंडली विथ एवरी वन, तो पर ठीक है मैं नहीं रहती हूँ तो सबके साथ अच्छा रहता है। तो हमारे व्यूअर्स के लिए, हाँ जी, वो उनको दिखा सकते क्या हम, वो क्या अटैक करेंगे वो?
उनका ऐसा दार निकाल के थोड़ा उनको नजदीक। ये तो तैयार ही बैठा है। आप खाली बाजू में जाइए, वो तैयार बैठा है आपको। अब हम दिखाए बाहर से जाली से उनको दिखाएंगे थोड़ा। हाँ दिखाइए ना प्लीज। क्यों कुत्ते वो ये करे भौंक रहे? वो भी आप मेरे साथ आए हैं ना, और मैं दिख गई हूँ। नए आदमी आने से भूखते क्या? हाँ नए आदमी आने से उनको स्ट्रेंजर्स जो भी है होते हैं, अभी खाने का भी टाइम है, स्ट्रेंजर्स भी है, तो होता है ऐसा उनको, वो बाद में शांत हो जाते हैं। आपको अकेले तो नहीं भूखते? हाँ मुझे अकेले को नहीं, हमारे मामा को नहीं। अच्छा, जिनको उनको लगता है जिनसे कोई थ्रेट नहीं है वो सबके साथ बहुत मस्त रहते हैं। ये मनी हमारा थोड़ा आगे से भी है पहले से। जरा हमको परिचय करके दो कौन से कौन से हैं वो। ये मनी है, मनीलाल। ये मेरा थ्री लेग डॉग है जो आप पहले भी अब जब आए थे। मनीलाल पहले 4 साल हम आए थे, वो 8 साल का हो गया है। मस्त है, अपने अपने मस्ती में रहता है। एक पाँव नहीं ना उसका? नहीं एक पाँव नहीं। क्या वो प्रॉब्लम था केक पाँव का? वो एक्सीडेंट के वक्त उसका एक पाँव जो था वो जॉइंट में से टूट गया था। अपने लातूर में थोड़ा क्या थोड़ा सा डेवलप नहीं रहने से फ्रैक्चर या जॉइंट का ऑपरेशन वगैरह नहीं कर सकते थे, तो तब उसको कट करना पड़ा, एम्प्यूट करना पड़ा। एम्प्यूट करने के बाद थोड़ा सा बैलेंसिंग का प्रॉब्लम आया, लेकिन वो व्हीलचेयर था हमारे पास, व्हीलचेयर से वो बैलेंसिंग सीख गए। एक साल व्हीलचेयर पे था, बाद में वो अभी 3 पैर पे एकदम मस्त भाग रहा है। तो मजे में है एकदम, खाता पीता है, मजे में। मनीलाल नाम क्यों रखा तुम? एक्चुअली मेरे मुंह से लाड़ लाड़ में उसका मनी ऐसा नाम निकला, तो उसको मनीलाल बोलने लग गई मैं, तो उसमें मनी बैठ गया। तो अभी मनी मैं बोलती हूँ, मामा उसको मनोहर बोलते हैं। तो जैसा लाड़ में आता है वैसा हम नाम बदलते हैं उसका। अरे तो मनीलाल और मनोहर ये दोनों नाम है, दोनों है उसके। अरे कभी वो मामा के साथ अच्छा रहता है तो मामा उसको मनोहर बोलते है, नहीं तो मनी ही बोलते है उसको। अरे वाह क्या बात है। उसके बाद ये कालू है, ये तभी बगल है हमारे फार्म की। कौन क्या है नाम? कालू। कालू कालू हाँ। तो एक्चुअली मेरे लिए बहुत काम करती है वो। ओके। मेरे उसके बाजू में मैंने कालू बोले तो ये है वो फीमेल है। फीमेल है कालू जी। काली नाम रखा है उसका मैंने जी। वो एक्चुअली सबका ध्यान रखती है यहाँ और अलर्ट करने में बहुत एक्सपर्ट है। अब उसको मैंने स्पेशली, और एक मेरी तीसरी डॉग है जिसके पास हम जाएंगे, उसको फीड्स आते हैं, एपिलिप्सिया है उसको, तो अलर्ट करती है जब उसको एपिलिप्सी का जब झटका आता है तो ये अलर्ट करती है काली सबको कि इसको झटका आया है, आओ कोई को देखने। दोस्त है वो? दोस्त नहीं है उसको, वो पसंद बिल्कुल नहीं है, लेकिन उसको तकलीफ होती है तो मुझे अलर्ट कर देती है कि कोई तो आओ इसको देखो प्रॉब्लम हो रहा है। क्या जोर जोर से चिल्लाती है? हाँ भोंकती है जोर जोर से। और उसका भोंकने का पद्धत भी एकदम अलग है, मतलब नॉर्मल भोंकना और वो भोंकना दोनों में बहुत फर्क है। उससे हमको पता चल जाता है कि जल्दी से जाना चाहिए, तो इसलिए उसको बाजू में रखा है उसके। ये कहाँ मिला आपको कालू? ये मैं MIDC में काम पे थी, हमारी फैक्ट्री है उधर। उधर वो 2-3 भाई बहन थे, तो 2 भाई उसके गुजर गई, अकेली बच गई थी, तो एक डॉग ने उसका पैर फाड़ दिया था, तो तब फिर मैं उसको यहाँ लेकर आई कि थोड़ा ठीक ठाक करेंगे, तो उसको उसका भी हमने ऑपरेट किया उसको भी, पर बाद में एक तो ब्लैक डॉग है ऊपर से फीमेल, तो उसको मुझे कोई अडॉप्ट करने के लिए नहीं मिला। शी इज परफेक्टली फाइन, बट मुझे उसके लुक्स की वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम्स आए। सबसे बेस्ट डॉग है, लेकिन अनफॉर्चुनेट इट इज़ कि पीपल्स टेंडेंसी, आई डोंट नो वॉट इट इज़, आई मीन आई हैव बीन सो मेनी ईयर्स हो गए पर मुझे लोगों का टेंडेंसी नहीं समझ आया अभी तक, तो वो अडॉप्ट नहीं हुई, पर वो अभी मेरे पास ही है। आज वो भी ऑलमोस्ट 9 ईयर्स की है, सो शी इज विद मी सिंस 9 ईयर्स। ये पिंकू, पिंकी, यही वही डॉग है जो मैंने बोला था आपको जिसको एपिलिप्सिया है। उसको स्पेशली वीक में एक से दो बार
बड़े झटके आते हैं और फियरफुल डॉग है, बहुत डरती है। मुझे जब मिली थी वो तब बारिश में मिली थी और नाली के पास मिली थी, और उसको हमारे जो वो एरिया के जो भी पर्टिकुलर स्ट्रीट डॉग्स होंगे उसको नहीं चाहिए थी वो, तो उन्होंने बहुत काटा था उसको, तो बहुत मुश्किल से बचाई थी। फिर डॉक्टर ने क्या बोला कि इतने सारे डॉग्स ने उसको काटा है तो आप रेबीज दे का ये दे दो उसको शॉट। आई थिंक शी वॉज नॉट वेरी बिग इन साइज दैट टाइम, शी वॉज वेरी स्मॉल, एक महीने की थी शायद। तो एक महीना हम रुक गए उसको रेबीज का शॉट देने के लिए। तो एक महीने के बाद जब दिया तो पता नहीं क्या हुआ, उसका एपिलेप्सिया स्टार्ट हो गया। उसके बाद से थोड़ा क्रिटिकल केस ही है वो हमारे लिए। फिर दो बार ऐसे मेजर शॉक में से बाहर निकले, 48 आवर्स तक उसको झटके आते थे, दो बार ऐसे बचाई है उसको। अभी ये भी 2.5 साल की हो गई है मेरे पास, एक मिली थी तब 1 महीने की थी, अभी 2.5 साल से है, संभाल रहे हैं हमारे पास है अच्छे से। बस बहुत ही शांत है, बहुत स्वीट डॉग है, एकदम स्वीट गुड लुकिंग डॉग है, लेकिन बीमारी उसकी उसको सुधरने नहीं देती है। पर हम लोग उसको मेडिकेशन देते हैं, हमारे वेटनरी ने उसके लिए, वेटनरी डॉक्टर ने होम्योपैथिक मेडिसिन दिया है, तो जब भी उसको ऐसा होता है हम हफ्ते भर के लिए उसको होम्योपैथिक मेडिसिन पे डाल देते हैं। तुम्हारी भाषा सुनते हो? अगर आप गुजराती आती है सबको बोलो बोलो कुछ तो तुम्हारी भाषा में। ये तो यहाँ आ ही गई है ऑलरेडी, पिंकू। ए पिंका, आते हैं। और ये सबसे बदमाश हमारा, ये तो गुड़गा है सबसे, ये बदमाश है, ये दोनों फ्रेंड्स हैं। क्या नाम है इसका? इसका गोपी। गोपी, हाँ आप लोग जानते होंगे, तब बम बम नाम रखा था मैंने उसका, हमारे भोले बाबा के नाम पे नाम उसको बुलाती थी मैं, बम बम बुलाती थी उसको मैं, पर बाद में मैंने उसका नाम गोपी रख दिया। और तब से वो ज्यादा बदमाश हो गया। जो होता है वो हमारा खेत का वॉचमैन है। सो अलर्ट करता है पूरा सबको, फुल, थोड़ा भी आवाज होता है, कोई भी कुछ भी लंबे से दिख जाता है वो सबसे पहले भोंकने वाला वही है हमारा वॉचमैन। क्या बात है। और मस्ती करने में नंबर वन, और भागता रॉकेट के जैसे है, तो हमारे मामा को तो आवरता भी नहीं है। ये हमारा बदमाश बच्चा रॉकेट के जैसे भागता है, हमारे मामा को भी आवरता नहीं है, और पर बहुत गुड बॉय है। सबसे क्या बोलते हैं, चप्पड़ बोलते हैं ना, वैसा चप्पड़, और वेरी 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 अलर्ट डॉग, हरिन जैसा। हाँ, हरिन जैसा है। उसको आप देखेंगे ना तो वैसा ही है, ऐसे कान खड़े रहते हैं हरिन के जैसे ही। सो देखो अभी भी वैसे ही बैठा है वो, अलर्ट एकदम, वॉच डॉग के जैसा कि मैं बैठा हूँ, ध्यान दे रहा हूँ सबके ऊपर। उसको बुलाओ जरा थोड़ा। गोपो, ए गोपो, आइयो। कोची मरवा को नहीं, हां पण ही आपला ओळखीचा